वेलकम बैक गाइस। सो सुबह सुबह जैसे अपने रिसॉर्ट से निकले और हम जा रहे हैं आज अपने आइलैंड एक्टिविटी के लिए। हमारा प्लान है आज फीफी आइलैंड का। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, 7:30 बजे तक हमारा पिकअप है होटल से। उसके बाद ये पूरे दिन की एक्टिविटी होती है शाम तक। बोलते हैं फीफी आइलैंड जो है बेस्ट है। हाँ, दो आइलैंड है यहाँ पे सबसे बेस्ट है, जो एक जेम्स बॉन्ड है और एक फीफी आइलैंड है। फीफी आइलैंड आज हम कर रहे हैं, जेम्स बॉन्ड हम कल करेंगे। आज भी ब्रेकफास्ट में वही कुछ है, फ्रूट्स, मैं तो वही ब्रेड और वो खाऊंगा, पीऊंगा जूस। तो वेज में तो नहीं है, नहीं यार, सूप है, स्टीम राइस, बॉइल्ड राइस, प्रॉन्स, ये तो हो जाए, फ्राइड राइस, फ्राइड नूडल्स, स्टिर फ्राइड, ये है सब्जियां कंचन, स्टिर फ्राइड में वेजिटेबल्स, ओके, बट ज़्यादा हैवी नहीं खाना क्योंकि बोट एक्टिविटी है, ब्रेड ही खाते हैं। अब मैं जूस, तुम जूस भर लो, मैं ब्रेड यहाँ पे गर्म कर लेता हूँ। सो आज भी हमारे पास सिर्फ वही है वाटरमेलन, बट वाटरमेलन अगर इनका नाम मीठा है, अच्छा लग रहा है खाने में। गाड़ी आ गई है हमारी, जस्ट ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही वेट ही कर रही थी हमारा, थैंक यू। हम लोग पहुँच गए हैं, सामने वो खड़ी हैं स्पीड बोट यॉट्स और यहीं पर ड्रॉप ऑफ है। कम से कम 45 मिनट पौना घंटा लग गया होगा ना आने में, 45 मिनट लग गए थे रास्ते में, नींद भी आ गई थी, सो ही गए थे। कोई क्या लग रही है कंचन, स्पीड बोट्स आगे देखो, यहाँ पे सारी शॉप्स है, अगर कोई कुछ लेना चाहता है तो इधर से ले सकता है। थैला नहीं यार, फिर इधर कैसे चलेगा, हम इंडिया से आए हैं। और उन्होंने भी उठा रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया वाले ही उठाते हैं, सबने उठाए हुए ना। सो यहाँ है स्पीड बोट। सो हमको थोड़ी देर यहाँ भी वेट करने को बोला गया है, सारे यहीं पे वेटिंग एरिया, और हम अपना गोप्रो लेके आए हैं क्योंकि पानी वगैरह के अंदर आज इसको टेस्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे गोलियाँ दी गई हैं, अभी सी सिकनेस की होती हैं, येलो येलो, क्योंकि फिर जब स्पीड बोट जंप वगैरह करती है ज़्यादा ना, तो वो उल्टी अल्टी ना आए, खा लो। सो ये आ गया जी हमारा यॉट आज की ट्रिप के लिए। हमने सुन तो सही, हमने यहाँ पे सब देख लिया, यॉट, बस, टुक टुक, प्लेन, सब, बस सब कुछ यहाँ का लोकल ट्रैवल। सो अभी बैठते हैं इसमें, चलो। यहाँ पे अभी पहनी जा रही है मेरे साइज की, तो है ना, तुम्हें तो बहुत छोटी होगी, याद है तुम्हें कितनी ज्यादा छोटी थी पहले। हाँ क्या आ गई तुम्हें, फिर भी है, मैं तो अभी भी छोटी है, बचा सकती है मेरे को, तुम पहले हाँ। सो हम आ गए अपनी यॉट में, बैठ गए सारे लोग। हाँ नीचे का निकालो, अब डालो। हाँ ये तो जैकेट भी मैच कर गई है। और यहाँ बैठेगा ड्राइवर। यहाँ फर्स्ट आइलैंड पे हम लोग रुके हैं अभी, यहाँ स्नॉकलिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे वाले आइलैंड पे करेंगे, बीच पे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट बीच है। व्यू देखो यार, तो
यहाँ पे पीछे से उतर रहे हैं पानी में जिसको स्नॉर्कलिंग करनी है, पर यहाँ पे सिर्फ 15-20 मिनट का स्टॉप है, अपन आगे चल के करेंगे। हाँ हो गया, अब मौसम अच्छा हुआ है, बट कुछ पता नहीं ना, अभी धूप निकला एकदम वो आगे धूप। सो ये है हमारा दूसरा स्टॉप फीफी ले, इधर हम बोट से नहीं उतर सकते, इधर बस हमको नहीं नहीं वो क्या ही बड़ा व्यू है, पूरा ये आइलैंड है, खुला समंदर। यार पानी का कलर देखो यार, पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी है, बहुत क्लीन है। देखो समंदर के बीच में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो गोप्रो से अभी कर रहे हैं क्योंकि अंडर वाटर जाएंगे, गोप्रो पे देखते हैं कैसा रिकॉर्ड होता है, फोन तो अंदर रख गया क्या नहीं। The back side, don't go outside, go past the boat coming. The boat coming. I don't know swimming, so it's okay. You same guy. Excuse me. पकड़ना? ये पकड़ना? इसको पकड़ के करना। You don't know swimming? You wear life jacket. Okay, let's go. And madam. This for if you. Oh, that's okay. That's okay. Don't lie, shoot now. Okay, let's go. My friend, you won't say drink. You won't drink. Yeah, yeah. Give me drink. Okay, no, no, no. क्या वो राजवे बोल के रहे क्या? पैर नहीं लगेगी नीचे। My friend, my friend, fold the rim and swim away a little bit. That's okay if you have this. Yes, you hold the rim. Stop holding this. Hold on the rim. And now. Nein, brother, you look at him. You look at that. That one. Yeah, yeah, yeah. This man do correct. You do the same. My friend, you have life jacket already. You can drop the ring out, yeah, and hold it. Not scary. Don't worry. कैसा लग रहा है? अरे कैमरा बंद हो गया क्या? अब पैर सीधे हैं, चल रहा है, अब पैर सीधे हैं। आज भी डर लग रहा है। अपने लिए बोल रही है अपन। मेरा कैसे होएगा? भाई बहुत मुश्किल है। मैं तो इसको पकड़ के खड़ी रहूंगी, हैं? बहुत मुश्किल है। उधर वाली से आना, इधर से नहीं आना। अच्छा। ये मुझे दे, ये इसमें नहीं आऊंगी मैं। इसमें। अच्छा एक सेकंड, पहले मैं करता हूँ, फिर तुम आना। ऐसे पता है पैर इसके बिना ना, इसके बिना पैर सीधे नहीं हो रहे। भाई फट रही है, समंदर में है नहीं, अपनी स्विमिंग ऊपर तैरने लग जाते हैं अपन। लाइव जैकेट के साथ भी नहीं, सीधे पैर करना बहुत मुश्किल है, सीधे पैर करना बहुत मुश्किल है।
โอเคขอโทษต้องไปหาเสื้อใส่แล้วไปใส่เสื้อพอดีตัวนะถามจะป้องจะป้างใส่เสื้อแขนยาวมันต้องคิดเนี่ยป่ะนะจ้าwow fish dek pani ke andar wo nemo nemo ha ye to kya hai bas to hai ye to kya 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 Excuse me. No, it's out. Okay. Thank you. Yeah. ये लग ना जाए. Okay. अब रात में मैं कैसे जाऊँ यार? हाँ. हाँ. Scary है. हैं? क्योंकि हमने कभी किया नहीं ना ये. हाँ. No. तो यार तो ये हेल्प नहीं कर सकता क्या कोई यहाँ पे? एक सेकंड. यहाँ तो जाना है. पैर तो नीचे लगेंगे नहीं ब्रो. पैर नीचे नहीं लगेंगे तो कैसे होगा? यो सिट फॉर बालान ना. हाँ. इधर से जाऊँ क्या? हम्म. धराम से गिरोगी. हैं? हम्म. कैसे पॉसिबल है यार? हाथ पकड़ो मेरा. तो डूब जाऊंगी. हाथ पकड़ो. आराम से उतरना. नीचे तो नीचे नहीं कूदोगे. इसको पकड़ के रख लेना. पैर भी. थैंक यू. चाचा चाचा. जाओ पीछे. कहाँ जाओ? पागल हो? इधर क्यों? पानी के अंदर जाए जा रहा है यार. बहुत मुश्किल है कंचन. मुश्किल तो बहुत है, बट मुझे जानना था यार कैसे करेंगे. नहीं हो पाएगा. वो चाहिए ना कंचन. अपना बैलेंस नहीं हो पाता इधर. तो ये है जी हमारा अगला स्टॉप जो कि है माया बे बीच. ये बहुत फेमस है यहाँ का और भीड़ भी हद से ज़्यादा है यहाँ पे. आधे घंटे का टाइम है हमारे पास इधर. हाँ चलो निकलो आगे. सो यहाँ हमारी चप्पल ले ली. हर जगह नंगे पैर ही घूम रहे हैं. चलो तो सही. चप्पल तो है. अच्छा बाहर चप्पल मिल रही है शुक्र है क्योंकि इधर धूप बहुत है. ये भी पूरा हिल रहा है. अरे नहीं इस पर टिका हुआ है तो हिल रहा है. सो अभी हमको अंदर जाना है. पूछ तो लूँ. सो अंदर घुसते ऐसे है. अंदर जाके एक बीच आएगा मायावी बीच जो बहुत फेमस व्यू पॉइंट है यहाँ का. अब यहाँ पे बेबी शार्क्स भी होती हैं तो इसलिए स्विमिंग यहाँ पे कर नहीं सकते. नहीं कर नहीं सकते. यहाँ पे 25,000 का फाइन है. इधर एक व्यू पॉइंट था. पीछे स्नैक्स बार है और मेरे ख्याल से आगे है बीच. और ये मतलब वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन है खेत की माया पे. सो अभी चलते हैं. और पूरी वाइट सैंड बीच है. बहुत सेक्सी है. मतलब व्यू तो हम जब से निकले तब से पूरे सेक्सी हाँ. है. अभी ये वाला इतनी वाइट सैंड है ना. देखना यहाँ पे. ये देखो नीचे कितनी वाइट है. सैंड तो लग ही नहीं रही है. हाँ. ज्यादा लग रहा है. हाँ, है ना. हाँ. ये देखो मैदा.
यहाँ पे बेबी शार्क्स भी हैं, इसलिए यहाँ पे स्विमिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बस यहाँ पे फोटो खिंचवाओ, वीडियो बनवाओ और अपने अपने घर चलो। तो अभी हम लोग आए हैं जी यहाँ के फेमस मंकी आइलैंड पे। ये आइलैंड पे यहीं पे बैठे रहते हैं। सो ये बीच इतना सही है, बस ये फुल भरा पड़ा है और ये रहे मंकी। इधर देखो, एक बस एक छोटा सा आइलैंड है जिसको मंकी आइलैंड कहते हैं। बस यहाँ पे 10 मिनट का शॉप है। मंकी देखो, वो तो हम इंडिया में भी देख चुके हैं, हम बस एक मिनट में आ गए और भूख लग रही है हद से ज़्यादा। सुबह से कुछ इतना ढंग से खाए नहीं, दो ब्रेड खाए थे बस। और अभी शायद इसके बाद एक एक्टिविटी और है, उसके बाद हम लोग जाएँगे पता नहीं, हाँ शायद कह रहे हैं पर है वो पास में। हाँ वहाँ पर फिर लंच देखते हैं, हमको अच्छा लंच मिल जाए यार। तो जैसे कुछ नहीं खाया, सर दुखने लगे और इतना बम्पी राइड होती है ना, ऐसा लगता है सड़क पर ही चल रही है, इतने झटके होते हैं। खाना खाने जाने के लिए भी ना ये पानी में से होते हुए उतर के जाना पड़ेगा। चलो तो हम लोग अभी आ गए जी एक फीफी टाउन करके आइलैंड है। ये आइलैंड कम अपने आप में एक सिटी ज़्यादा है, यहाँ हॉस्पिटल भी है। और अभी चल के जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची भाई, बिल्कुल भी। 3 बज गए, ऑलमोस्ट 2:30 बज गए, 3:30 बजे, एक घंटे में वापस आना है। हम अपने को कॉफ़ी कॉफ़ी भी मिल जाएगी, पियेंगे यार कॉफ़ी की एनर्जी आएगी। अपने सवेरे की नहीं पीना, इस वजह से अपने में हाँ। और यार मज़ा तो बहुत आ रहा है बट थक जाता है थोड़ा, थक भी जाते हैं नहीं, अब टाइम भी बहुत हो गया। और दूसरा ना मौसम बहुत कड़क की धूप है ना, धूप के अंदर हो जाती है थोड़ी सी। सुबह 7 बजे से आ रही थी हम लोग। ये देखो ये सारा मार्केट ही लग रहा है। सही है यार, ऐसा एक आइलैंड पे इतने बस एक सिटी बसा रखी है। सो ये है हमारी लंच की लोकेशन। उधर आगे बूफे लगा हुआ है, देखते हैं वेज में क्या क्या है भाई, कुछ अच्छा मिल जाए बस और खाने बैठते हैं फिर। सचिन ये तो नाम भी नहीं लिखा यहाँ पे। फिर वेजिटेरियन आगे आ जाओ आगे, अभी प्लेटें भर लेती चिकन से। ओह कॉफ़ी भी है, थैंक गॉड। कंचन कहाँ रहेगी, कंचन चिकन ना उठा ले। कंचन आ जा बेटा, ये चार प्लेटें लगा रखी हैं बस वेज के लिए। चिकन था वो भी, ये पता नहीं क्या क्या है। ये क्या राइस ही भर लेते जल्दी। राइस है और ये ग्रेवी वगैरह है कुछ, तो अभी अपना करते हैं भरते हैं क्योंकि राइस खत्म होने वाले हैं। आई थिंक हमें मिली है यहाँ पे रेड करी एंड येलो करी विद राइस, वाइट राइस भी है, ध्यान नहीं गया। अच्छा वाइट राइस ही पड़ा, इतना ध्यान नहीं गया। सो अपनी भूख मिटाते हैं भाई, बहुत भूख लगी है। सो गाइस खा पी के फाइनली बहुत हालत टाइट हो रखी है क्योंकि सुबह 6 बजे से निकले हैं और मतलब मालूम 9 या 10 बजे से हम पूरी धूप में हैं, समंदर की धूप में 9-10 बजे से, मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं पूरे। बट अभी भी यहाँ से एक आइलैंड रह रहा है, 2 घंटे तक हम वहीं पे जाएंगे जहाँ से हमको ये स्पीड बोट ने पिकअप किया था। 6-7 बज जाएंगे, 3-4 घंटे अभी हमको घर जाने का, जान निकल गई अभी। एक और आइलैंड रह रहा है, एक्टिविटीज वगैरह कह रहे हैं वहाँ पे होती है, पता नहीं क्या होता है। टापू आइलैंड तो है यार, इधर मुँह चक के उधर आइलैंड। चलो